हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 24 जून के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएँ, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, नितिन गडकरी ने किस देश की राजधानी दुशांबे में स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसमें आंसर आएगा दुशांबे तजाकिस्तान की राजधानी है, और वहां पर केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च करने वाला पहला सरकार द्वारा संचालित रेलवे संगठन कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला भारतीय राज्य है सिक्किम, और सिक्किम ने 1998 में इस पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध को 23 जून 2018 से लागू कर दिया गया है? तो इसमें आंसर आएगा महाराष्ट्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यो-यो इंटरमिटेंट रिकवरी टेस्ट का उपयोग निम्नलिखित खेलों में से किस खेल के प्लेयर की तीव्रता की जांच के लिए किया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा यो-यो टेस्ट क्रिकेट में किया जाता है। इस टेस्ट में कई कॉन्स की मदद से 20 मीटर की दूरी पर दो लाइनें बनाई जाती है। प्लेयर को लाइन से पीछे से शुरुआत करनी होती है। सिग्नल मिलते ही वह दौड़ना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की तीसरी वार्षिक बैठक आयोजित करेगा? तो इसमें आंसर आएगा भारत, और यह बैठक भारत 25 से 26 जून 2018 को मुंबई में आयोजित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2017 के लिए स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसमें आंसर आएगा किदांबी श्रीकांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मोहनपुरा बांध को राष्ट्र को समर्पित किया। निम्नलिखित में से किस जिले में मोहनपुरा बांध परियोजना स्थित है? तो इसमें आंसर आएगा राजगढ़ में, और राजगढ़ मध्य प्रदेश में स्थित है, और इस परियोजना में कुल 2072 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी के रूप में अरिजीत बसु को नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के साथ जैव प्रौद्योगिकी व नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में हुए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसमें आंसर आएगा क्यूबा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे चाबहार बंदरगाह का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा चाबहार बंदरगाह का संबंध ईरान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे ग्रोथ इंडिया किससे संबंधित है? तो इसमें आंसर आएगा ग्रोथ इंडिया भारत का प्रथम रोबोटिक टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 23 जून को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी UIDAI आदेशानुसार किसे आपराधिक जांच के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? तो इसमें आंसर आएगा आधार बायोमेट्रिक डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेपरलेस वाणिज्य भवन की नींव रखी है?
तो इसमें आंसर आएगा पेपरलेस वाणिज्य भवन की नींव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेपरलेस वाणिज्य भवन की नींव कहाँ रखी गई? तो इसमें आंसर आएगा पेपरलेस वाणिज्य भवन की नींव नई दिल्ली में रखी गई और इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट है 226 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेशेल्स के राष्ट्रपति जो अभी भारत के 6 दिवसीय दौरे पर हैं उनका नाम क्या है? तो इसमें आंसर आएगा सेशेल्स के राष्ट्रपति का नाम है डेनी फोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित कबड्डी मास्टर्स टूर्नामेंट 2018 में भारत ने किस देश को हराकर जीत हासिल की है? तो इसमें आंसर आएगा कबड्डी मास्टर टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किया सुपर लीग में उपस्थित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन होंगी? तो इसमें आंसर आएगा स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाज 2.1B वाहक रॉकेट का उपयोग करके किस देश ने सफलतापूर्वक ग्लोनस एम पोजिशनिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसमें आंसर आएगा रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार समुद्र में कचरे के लिए 10 नदियां जिम्मेदार हैं, इनमें भारत की कौन सी नदी दूसरे स्थान पर है? तो इसमें आंसर आएगा भारत की गंगा नदी दूसरे स्थान पर है और इनमें चीन की यांगत्जे नदी पहले नंबर पर है जो चीन की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोलंबिया के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीता है? तो इसमें आंसर आएगा इवान ड्यूक ने और इवान ड्यूक डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी के उम्मीदवार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेडोनिया ने हाल ही में अपना नाम बदलकर क्या रख लिया है? तो इसमें आंसर आएगा मैसेडोनिया ने अपना नाम बदलकर उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एंटी डोपिंग पर 2018 एशिया और ओशिनिया क्षेत्र के अंतर सरकारी मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी कर रहा है? तो इसमें आंसर आएगा श्रीलंका और यह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जैसे को तैसे की तर्ज पर 50 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ को लागू कर दिया है? तो इसमें आंसर आएगा चीन ने। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी ही राशि के चीनी सामानों पर 25% टैरिफ लगाया था। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। क्वेश्चन है, 2018 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही समय में एक ही स्थान पर योग करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? आपके ऑप्शंस है देहरादून, कोटा, मैसूर, नई दिल्ली। इसका आंसर आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोज आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।